नमस्कार, मैं यतीन्द्र मिश्र कलाश्रम के ऑनलाइन फेस्टिवल में पंडित बिरजू महाराज जी को आदरणीय श्रद्धेय महाराज जी को प्रणाम करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से, जैसा मुझसे शाश्वती दीदी ने निवेदन किया था कि मैं एक समकालीन कंटेम्प्रेरी मोड की कविता अपने आवाज़ में रिकॉर्ड करके खुद की लिखी कविता भेजूँ, वो मैं भेज रहा हूँ आपको इस ऑनलाइन फेस्टिवल के लिए। मुझसे थोड़ी देरी हुई, उसके लिए क्षमा करिएगा। महाराज जी इसको सुने और उनके सारे शिष्य सुने, उनसे जुड़े सभी लोग सुने, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मेरा कविता संग्रह ज्योड़ी पर आलाप, उससे ये कविता पढ़ रहा हूँ। रफू रफू जो कपड़े में, कभी कपड़े में कुछ फट जाता है, सीवन खुल जाती है, छेद हो जाता है, तो रफू करके कपड़े को ठीक किया जाता है, जिसे फिर से पहनने लायक बनाया जाता है। तो वही मेटाफर है जीवन में, रिश्तों में अगर रिश्ते खराब हो जाएं तो उसको रफू कैसे करते हैं, ये कुछ उस तरह की वानगी है। कविता का शीर्षक है रफू। जहां से धोखा हुआ धागों को आपसी रिश्ते में, खुली है अंदर की बात सबसे पहले वहीं पर। जहां से धोखा हुआ धागों को आपसी रिश्तों में, खुली है अंदर की बात सबसे पहले वहीं पर। परेशान है धागे कैसे बची रहेगी, गुलबोटों की मैत्री की अविभक्त मजबूती और कपड़े के समाज में उनकी पारस्परिकता। तार तार होने से बचानी है संबंधों की अटूट डोर, ऐसे में किसी को आया है ख्याल रफू के बारे में। सिलनी होंगी अब सारी खुली सीवने, गूंथना होगा एक दूसरे को फिर उसी तटस्थ भाव से। ऐसे में किसी को आया है ख्याल रफू के बारे में, सिलनी होंगी अब सारी खुली सीवने, गूंथना होगा एक दूसरे को फिर उसी तटस्थ भाव से। पुराने दिनों को याद करके रूठ गए हर धागे को मनाना होगा, पुराने दिनों को याद करके रूठ गए हर धागे को मनाना होगा। पच्चीकारी की रंगीन दुनिया से निरपेक्ष रहकर मिटानी होंगी धागों को आपसी गलतफहमियां और उनके बीच बढ़ी हुई दूरी एक बार नए सिरे से। नाजुक धरातल पर बुना हुआ यह सहमेल कितना कुछ सिखाता है हमें रिश्तों की मजबूत बुनियाद के बारे में। नाजुक धरातल पर बुना हुआ यह सहमेल कितना कुछ सिखाता है हमें रिश्तों की मजबूत बुनियाद के बारे में। ये थी मेरी कविता और मुझे खुशी है कि आपने इसे सुना और आप इसे पसंद करेंगे। आदरणीय महाराज जी को, कलाश्रम के सारे विद्यार्थियों को, उनसे जुड़े हुए सारे कला रसिकों को, गुणीजनों को प्रणाम करता हूँ और इस फेस्टिवल के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
Namaskar, Happy New Year. I hope you had a good start to the new year. The piece you're going to watch now is called Awakening and going to be performed by one of my students, Tulani Kayani Skip. I'm Sujata Banerjee. I created this piece about a couple of years back when Tulani was 18. And we had this idea that at the age of 18, when there are lots of other things, other attractions, friends and parties and lots of other attractions, which sometimes can take over life. And how do you overcome? How can you get rid of everything and come through? So that was very, in a very abstract form, we tried to convey that, how in this case she had to find her strength through the dance. It has been shot outdoors because obviously in the UK now we are in a big lockdown and we could not be anywhere to do the recording. I hope you enjoy it. The music was composed by Tulani's father, Eugene Skiff. He's a very well-known musician, composer, poet, and activist. And it was really fantastic to hear this music and make this dance, actually. We had the music and then the concept. Often it happens the other way around. We have a concept and then we commission somebody. But in this case, the music is very much the stimulus.
And thank you, Shashwati Dees, and thank you, Kalashram Maharaj Ji, Pranam. And I hope you enjoy this very abstract dance, which has been shot outside. Thank you. मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप आसाम में हुआ था, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मैंने अपना
कला शिक्षा रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता से प्राप्त की है। वहाँ से मैंने पेंटिंग में मास्टर डिग्री की है। उसके बाद लास्ट 17 ईयर्स 2003 मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में अपना कला की अभ्यास कर रहा हूँ। अलग अलग स्ट्रीम में फिगरेटिव नॉन फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट सभी विषयों पे मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं लास्ट सालों से 7-8 ईयर्स कलाश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। कलाश्रम के जितना भी कला शिविर होते हैं और उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं पार्टिसिपेट करते आया हूँ। मेरा बहुत ये एक खुशकिस्मत है कि मैं कलाश्रम से जुड़ पाया। पंडित बिरजू महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिल पाया तो उनसे मुलाकात होना एक बहुत बड़ी बात है। शायद ये किसी जन्म का मेरा पुण्य फल है जिसके लिए मैं उनका आशीर्वाद मुझे मिला और चाहता हूँ कि आगे भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे। हम कलाकार जब कुछ पेंटिंग बनाते हैं तो बहुत सारे स्ट्रीम्स उसमें आ जाते हैं, बहुत सारा फिलोसफी वहाँ पे आ जाते हैं। जब कोई भी चिंतन प्रक्रिया एक जो घराना है चिंतन प्रक्रिया का, जैसे बहुत सारे फिलोसफी है, क्यूबिज्म है, एब्स्ट्रैक्ट है, रियलिज्म है, तो एक घराना से दूसरे घराने में या एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं आर्टिस्ट, इन्वेंशन करते हैं। तो समकालीन कला इसी तरह का एक इन्वेंशन का प्रक्रिया है जहाँ पे आर्टिस्ट मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपना जो स्टाइलाइजेशन है उसको डेवलप करते हैं। समकालीन कला का मतलब आपका सिर्फ आज की समय की कला है ये नहीं है, उसका साथ साथ आपका जो सोच है, कला सोच है, उसमें आपका कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना आपने एक्सपेरिमेंट किया, वो भी ज़रूरी है। लास्ट 20th century एंड 21st century ये दोनों हम समय इस समय के कला को समकालीन कला मानते हैं, परंतु मेरा थोड़ा सा अलग विचार है। जैसे कैमरा के आविष्कार के बाद हम लोगों ने रियलिस्टिक पेंटिंग से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश की है। कलाकार की जो अस्तित्व है, पेंटिंग की जो अस्तित्व है, उसके लिए हम लोगों ने अलग से प्रयास किए हैं, नाना रस और रस के माध्यम से, नाना एक्सप्रेशन के माध्यम से कला को और ज़्यादा पास से देखने की कोशिश की है। तो इस तरह से डिफरेंट बहुत सारे कला आंदोलन का शुरुआत हुआ है। समकालीन कला आज की दर्पण में, आज की जो समाज है उसका एक दर्पण है। वहाँ पे आर्टिस्ट कलाकार अपने नए नए विचारों का साथ, नए नए एक्सपेरिमेंट का साथ, नए नए इक्विपमेंट्स का साथ, नए नए भावनाओं का साथ अपनी कला को प्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर देखा गया अभी समकालीन कला में आजकल के जो चित्रकार हैं वो सिर्फ एकेडमिक वे से ही स्किल्ड नहीं है, वो अपना जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी उन्होंने अपना योग्यता दिखाए हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, सिर्फ रंग में वो बंधा हुआ है, रंग या कैनवास में बंधा हुआ है, ऐसा नहीं है। समकालीन कलाकार आज कोई भी मटेरियल से आपको आर्ट प्रोडक्ट करते हैं, कोई भी मटेरियल से उसका जो सोच है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो आर्ट के ऊपर जो उनका दखल है, उनका जो नॉलेज है, उसको बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर ढंग से इंस्टॉलेशन के जरिए, प्रेजेंटेशन के जरिए वो प्रेजेंट करते हैं। समकालीन कला एक ऐसा स्टेप है जो हमारे जो एकेडमिक सेशन है उसका बाद एक नेक्स्ट स्टेप है आर्टिस्ट का, कलाकार का जीवन का। कलाकार जो साधारण जिंदगी से कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं जो वर्तमान परिस्थिति का साथ, वर्तमान समय का साथ ताल्लुक रखता है, और उसको किस तरह से अपने कला के जरिए एक समाज की दर्पण आप कह सकते हैं, कला के जरिए समाज का जो प्रतिबिंब है, समाज का जो दृश्य है, समाज का जो सोच है, समाज का जो परिस्थिति है, उसको अपने कला दर्पण में वो निखार लाते हैं अपने रंग के माध्यम से, स्कल्पचर के माध्यम से, इंस्टॉलेशन के माध्यम से। समकालीन कला एक फ्यूजन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज है। जो पुराने कलाकार, प्रवीण कलाकार हैं, उनके जो सोच है, जो प्रवीण फिलोसॉफी है, उसका साथ आज के ज़माने की जो सोच है उनका कॉम्बिनेशन में नया कुछ उद्भावन करते हैं। समकालीन कलाकार
आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उनका भी इस्तेमाल करते हैं। समकालीन कलाकार एक रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये एक नई जागरण है, एक इंडिविजुअलिज्म है जो हम कलाकार की खुद की पहचान को लेके उसका सारा जीवन का जो प्रयास होता है उसका एक बहुत बहुत सुंदर सा प्रेजेंटेशन है, मुक्त है। समकालीन कलाकार सभी बाधाओं से मुक्त है, पिंजरे से निकला हुआ एक पंछी की तरह वो अपना गगन में, अपना सोच के गगन में वो उड़ते रहते हैं। कोई बाधा उनका सामने कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर सकता। मुझे अच्छा लगता है जब समकालीन कलाकार का इन्वेंशंस को देख के एक पुरानी बातें याद आता है, मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था कि अगर आप एकेडमिकली के लिए काम करते हो और रिपीटेटिव आर्ट वर्क्स करते हो तो आपको पॉपुलैरिटी मिलेंगे, आपका पैसा होगा, आपका नाम होगा, सब कुछ होगा। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए आविष्कार करते हैं तो आपको इतिहास में जगह मिलेगा। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इतिहास बनते हैं, और जो अपना एक स्टाइलाइजेशन में रिपीटेटिव काम करते हैं उनको फेम हासिल होते हैं, उनको पॉपुलैरिटी हासिल होते हैं। चलिए, समकालीन कला को लेके मैंने दो शब्द आप लोगों के पास रखा और अंत में कुछ अपना काम को दिखाना चाहता हूँ। वो देखिए किस तरह से हम लोग समकालीन कला विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग माध्यम में काम करते हैं। नमस्कार, संजीव गोगोई को आप इजाज़त दीजिए आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।
हमारे बड़े क्लोज मित्र हैं जिनका नाम है कमल जी, शिकागो में रहते हैं और अनेक चीज़ें ऐसी सुनाते हैं जिसमें हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है। एक आधुनिक हास्य कविता उनकी उन्होंने कही है जिसको आप सब लोग सुन के बड़ा आनंद लेंगे, और आधुनिक कविता है एकदम हास्य, तो आनंद लीजिए और सुनिए। नमस्कार, ये एक छोटी सी कविता मैंने कोरोना वायरस के लिए लिखी है। कोरोना वायरस को मैंने एक जिद्दी प्रेमी की तरह देखा है, जिससे भी ये प्रेम करता है उस पर इस तरह छा जाता है कि वहां से वो हटने का नाम ही नहीं लेता। तो लीजिए प्रस्तुत है कोरोना इतना प्यार। कोरोना कोरोना इतना प्यार, कोरोना कोरोना इतना प्यार, हमको नहीं स्वीकार तुम्हारा इतना सारा प्यार। कोरोना कोरोना इतना प्यार, कोरोना कोरोना इतना प्यार, तुम तो ऐसे छाए हुए हो, घर घर में घुस आए हुए हो, तुम तो ऐसे छाए हुए हो, घर घर में घुस आए हुए हो, कैसा ये अत्याचार। करोना करोना इतना प्यार, करोना करोना इतना प्यार, तुम सब रस के वायरस हो। करोना एक ऐसा वायरस है जिसके लोगों ने कितने कितने तरह से अर्थ निकाले हैं, उसमें सारे रस भर दिए हैं। तुम सब रस के वायरस हो, मतलब क्या है तुम्हारा, क्यों आए हो, किसने भेजा, क्या है तुम्हारा इरादा, जाओ जहां से आए हो तुम, छोड़ो हमारा साथ। करोना करोना इतना प्यार, करोना करोना इतना प्यार, हमको नहीं स्वीकार तुम्हारा इतना सारा प्यार। करोना करोना इतना प्यार, करोना करोना इतना प्यार। आप सबको करोना मुक्त नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शिकागो से आप सबका अभिनंदन है। Namaskar. I am very happy and privileged to be a part of Kalashram's festival Paraspar. I do choreography, but not only Kathak. My specialization is in Chau and different martial art form of Eastern India. So I always try to incorporate those martial dance form with classical dance. And I always get blessings and support from Maharaj Ji, from Zashu Didi. Pranam Maharaj Ji, Pranam Didi. Today my presentation is Maya. Thank you.
Thank you.
presenting my next student Pratyusha from JD2, and the theme is contemporary art. This is a contemporary art made by taking into mind the attractiveness of nature in the moonlight. अब हमने कलाश्रम के बच्चों द्वारा आधुनिक पेंटिंग को देखा, साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे मन में काफी दिन से ये सब चल रहा है, क्योंकि मेरे दामाद की वजह से मुझे और अच्छा लगा कुलकर्णी अनुष्का अपने इलाज की वजह से, तो मैं भी शुरू हो गया था, उसकी वजह से मेरे हाथ से भी कुछ चीजें बनने लगी। 1992 में मैंने एब्स्ट्रैक्ट ये जो डांस का रूप दिखा देख रहे हैं आप, ये बना हुआ है पहले से, जिसमें नृत्य की मुद्रा है लेकिन ऐसे गायब गायब सी है, लेकिन पूरी नहीं। तो ये एक तो मैंने बनाया था, इसके अलावा ये चेहरा आप देख रहे होंगे, ये चेहरा मेरी बेटी ने मुझे चेहरा सिर्फ भेजा था, और अनिता ने, जिसके अंदर कुछ था नहीं, पर मेरे दिमाग में हुआ कि इसके दिमाग में नृत्य के प्रति क्या चीज जागृति हुएगी, तो जो जागृति हुई होगी तो मेरे मन में तमाम यहाँ से वहां तक राधा और कृष्ण छप गए, मैंने उनको इनके ऊपर अंकित कर दिया। तो इस तरह से कई चीजें बन जाती हैं जो कि नृत्य, और अब यही कहना पड़ता है कि नृत्य के साथ साथ अगर आदमी का नृत्य मजबूत हो तो बहुत सी चीजें अपने आप विधाएं आ जाती हैं। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि आपने देखा होगा ये सब मेरी से। बहुत सी चीजें मेरे बाबा ने लिखी, महाराज बिंदा जी जिले ठुमरी दादरा भजन इत्यादि काफी, उन्हीं की कृपा से मैंने कुछ लिखा। आधुनिक चीजों के बारे में जैसे ही चर्चा होती, तो मैंने एक बार एक हावड़ा स्टेशन देखा और वहां की हालत क्यों देखा, तो मुझे लगा इसके बारे में कुछ लिखा जाए। आधुनिक बिल्कुल आधुनिक ही है, अपना अपना धंधा है जीवन का, सड़ी गली मछलियां लेकर गंदी सी जेब में, पानी भी गंदा है घोलती रसे में, कुछ लोग निहारते खाने के लिए, पेट भरने के लिए, धंधा है करने के लिए, दो चार कुत्ते भी बैठे ताक में, कुछ मिल जाए लगे ही घात में, खाने के लिए लोगों की भीड़, सर पर सामान, दौड़ते हांपते कांपते सांस भरते खुली स्टेशन, कहीं मोटे सेठ भी, फटे हाल गरीब भी, कहीं मौलाना कहीं सरदार, कुछ उदास कुछ निराश, कुछ चुस्त कुछ सुस्त, अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार, बेकरार होशियार चढ़ जाने के लिए गाड़ी पर, ये मेरा है सदा का। एक होड़ है नित्य की, बस से मोटर की, मोटर से ऑटो की, ऑटो से ठेले की, ठेले से रिक्शे की, ये एक फुटपाथ है, सदा भरा रहता गरीबों की दुनिया से, यहाँ सबका हक है, कोई बैठे कोई सोए कोई रोए कोई गाए, जी हाँ ये छोटी सी नगरी है हावड़ा स्टेशन की। नमस्कार, टुडे वी हैव जस्ट फिनिश्ड द परस्पर फेस्टिवल। महाराज जी को अनुरोध करती हूँ कि इस फेस्टिवल के विषय में और उन सभी सहयोगी जो भाग लिए हैं उनके लिए आपके शुभाशीर्वाद के वचन, और फेस्टिवल जिस तरह से सजाया गया है उसके विषय में कुछ कहें। अगर बहुत ही खूबसूरत ढंग से पूरा फेस्टिवल सजाया गया, अलग अलग विधाओं के लोग पेंटिंग से लेके कविताओं से लेके नृत्य को, जो अलग अलग नृत्य की शैलियों से लेकर संगीत इत्यादि इत्यादि से इसको हम लोगों ने सजाया गया, और इतना अच्छा ये इरादा था कि जिसमें हमको बड़ा अच्छा लगा, परस्पर नाम से ही बड़ा सुंदर है नाम, तो मुझे अच्छा लग रहा कि जो लोग भी इसमें भाग लिए हैं उन सबको बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, और आगे भी हम भविष्य में इस तरह के काम जरूर करेंगे हम लोग। महाराज जी, आपको ये कैसा लगा कि एक टॉपिक पे हर रोज सभी लोग काम कर रहे थे, तो
बहुत सारे नेचर सीजन हर तरह के आई थिंक पीपल हु हैव वॉच्ड ऑल ऑफ इट वुड नो बट दोज हु कुड नॉट सी द एंटायर फेस्टिवल वी स्टार्टेड विद ऑन द फर्स्ट डे वी हैड डिवोशन एज द थीम एंड देन वी हैड नेचर डिस्क्राइबिंग नेचर then it was colors a feel of colors through music dance then we came to seasons the various seasons and then went over to rasas the emotions in human beings which so beautiful maharaj ji rason ko bhi itna sundar sajaya logo ne painting ke zariye bhi aur raagon ke zariye bhi to rasa bhi hua aur phir finally contemporary of course har sangeet aur har painting aur poetry mein aadhunikta to rehti hai uska bhi hua to ji aapke khayal mein ye kaisa tha bahut hi acha raha har tarah ke roop mein ye paraspar aaya samne aapki paintings aur poetry bhi to thi sundar ab to bhai mujhe bhi to प्रेरणा मिलती है हमारे दामाद साहब हैं हमारी बेटी हैं उन पेंटर हैं तो वो देखते देखते मेरे मन में भी हो गया वो थोड़ा बहुत मन अच्छा लगता है बनाने में क्योंकि रंगों से खेलना रंगों का इरादा रागों का इरादा नृत्य के रंगों का इरादा सब आगे कहीं ना कहीं एक तो जगह एक ही जगह है जहाँ पर भावनाओं की रंगन जो है भावनाओं का रंग हर तरह से छाता है चाहे पेंटिंग में हो चाहे डांस में हो चाहे म्यूजिक में तो हर तरह से एकत्रित हुए हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है ये प्रस्तुतिकरण की मुझे बहुत आनंद आया थैंक यू फ्रेंड्स आई होप यू विल ऑलवेज बी विद अस इन ऑल आवर एफर्ट्स ऑल आवर एंडेवर्स दैट वी डू इन फ्यूचर दोज हु हैव एनरोल्ड विद अस फॉर ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर सून यू आर गोइंग टू सी द क्विज व्हिच यू कैन complete within a few hours and send it to you to us you'll get all the details about it and then you can win prizes from that okay thank you namaskar namaskar